जैसे एक श्वान सूखी हड्डी को चबाकर भागता है और सामने से सिंह आ जाए तो रास्ता बदल लेता है, काय को बोले इसलिए कहीं ये मेरी सूखी हड्डी को छीन न ले। लेकिन श्वान ये नहीं समझता कि कोई भी सिंह किसी का किया हुआ शिकार स्वीकार नहीं करता है, अपितु अपना शिकार स्वयं करता है। हमारे भारतीय फौजियों की तरह, हमारे भारत के फौजी भी किसी साधु से कम नहीं है। अभी हम देख रहे थे बद्री विशाल में इतनी इतनी विशाल काय बर्फ पड़ी हुई है, सियाचिन में कितनी बर्फ पड़ती है, और वहां पर भी वो ईमानदारी से रात दिन मेहनत करते हैं, और हम लोग बैठकर यहाँ गप करते रहते हैं और वो रात दिन तपस्या करते रहते हैं। जब भी मैं किसी फौजी को मिलता हूं, मिलिट्री के जवान से मिलता हूं, मुझे उनके अंदर साधु नजर आता है। कितना बड़ा त्याग, शादी हुई है दूसरे दिन पत्नी को छोड़ के, पत्नी पूछती है कहां जा रहे, बोले देश की सेवा करने के लिए, देश की सेवा। पत्नी बोली मेरा क्या होगा, बोले तू मेरी मां की सेवा कर, मैं भारत माता की सेवा करने जा रहा हूं। मैं एक शहीद सैनिक के घर गया था, प्रयागराज से आगे था, उस मां ने मुझसे कहा था कि मेरे और भी बेटे होते तो मैं अपनी भारत माता के लिए उन्हें भी फौज में भेज देती, मिलिट्री में भेज। जैसे राम के साथ राम की बानरी सेना यश की पात्र है, वैसे ही मेरे भारत के मिलिट्री के जवान भी यश के पात्र है, उन्हें तो यश मिलता ही है, मिलना ही चाहिए। और कंट्रियां तो फिर भी ठीक ठाक हैं, जिनके पड़ोसी अच्छे हैं, हमारे तो पड़ोसी भी बड़े खतरनाक हैं, राक्षस हैं। हमारे तो पड़ोसी भी तो बड़े भयंकर हैं, जिसे पाकिस्तान मिल जाए पड़ोसी, जिसे चीन मिल जाए पड़ोसी, जैसे बांग्लादेश मिल जाए पड़ोसी। चलिए खैर, हमें राजनीति नहीं करनी, हम कथा सुनाने आए। हम तो फौजियों की प्रशंसा इसलिए कर रहे हैं कि वाकई उनकी कुर्बानी जो हम लोग भूलते हैं, उनका बलिदान हम भूलते हैं, उनका बलिदान कभी भूलना नहीं चाहिए। उनका त्याग देश में सबसे बड़ा त्याग है, सबसे बड़ा।